अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? वालेकुम अस्सलाम मैम। अल्लाह वालेकुम सलाम मैम, का शुक्र है। आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा बेटा, आज आप लोगों का सिलेबस जो होगा ना वो खत्म हो जाएगा, सो वी हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम। कल आपका कनेक्टिविटी की वजह से लेक्चर हो नहीं सका, तो इसलिए आज आपका जो है ना लेक्चर हो जाएगा, और दो लेक्चर आज आपके इकट्ठे होंगे। सो थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना, हौसला हिम्मत अपने पास जमा करके रखना, और आज आपका सिलेबस जो ना ऑलमोस्ट आई विल बी वो फिनिश फॉर इट, अल्लाह करे हो जाए। ठीक है, मैम कितने टाइम खत्म होगा ये, कितने टाइम के अंदर? हार्डली लेक्चर 1 आवर का होगा। ठीक। अच्छा बेटा, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। अच्छा, हम लोगों ने साइटोमेमेटिक ड्रग्स का मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया था ना, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। यस मैम, लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पैरासिम्पैथेटिक्स होते हैं, पहले हमने सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ा था, एडिनर्जिक पढ़े थे, अब हम कोलिनर्जिक पढ़ने लगे हैं। एडिनर्जिक में आपने देखा था अल्फा वन होते हैं, अल्फा टू होते हैं, बीटा वन बीटा टू। इसी तरह जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है ना, इसके जो रिसेप्टर होते हैं या तो वो मस्कुरेनिक होते हैं या वो निकोटिनिक होते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है, और इनडायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है ना ये मस्कुरेनिक और निकोटिनिक दोनों पे एक्ट करता है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, देयर आर टू टाइप ऑफ द रिसेप्टर, मस्कुरेनिक एंड निकोटिनिक। ठीक है, अब ये आपने ना ये वाला टेबल आपने याद करना है कि ये क्या करते हैं। जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो M1 होते हैं, M2 होते हैं, M3 होते हैं। बेटा ये ना उसमें पूछते हैं, वाइवा क्वेश्चन में बहुत बार पूछते हैं।
M1 जो होते हैं ना वो गैस्ट्रिक पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है। पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम में क्या होता है कि आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, उसमें सिक्रीशंस जो होती हैं वो इंक्रीज होती है, फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है, ठीक है। सो M1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस्ट्रिक पैरेटल सेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ योर गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। M2 रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द हार्ट दैट दैट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंट्रेक्टिलिटी। M3 रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन साइड योर स्मूथ मसल्स, मसल्स ऑफ स्मूथ मसल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन आई, गट, ब्लैडर, स्पिंटर, ब्रोंक्यूल्स और एंडोक्राइन्स, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर फाउंड इन साइड योर ब्रेन, यू कैन से CNS पे ही इफेक्ट करते हैं, ठीक है। CNS पे कहाँ पे करते हैं, उसके गैंग्लियाज पे इफेक्ट करते हैं और मेडुला पे करते हैं, ठीक है। एंड ये दो तरह के होते हैं, NN होते हैं और NM होते हैं, और NM जो होते हैं ना वो आपकी मसल्स प्लेट के ऊपर, आपके स्केलेटल मसल्स के ऊपर जो होते हैं वो एक्ट करते हैं, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं उनको हम पैरासिम्पेथेटोमोमेटिक्स भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, आपके बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहेंस कर देती हैं। बेटा सिंपैथेटिक सिस्टम इनहेंस हो तो क्या क्या एक्शन होते हैं मुझे बताओ, सर से लेकर पाँव तक, जल्दी से। मैम हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है सिंपैथेटिक के लिए। वो तो सिंपैथेटिक में होता है, पैरासिंपैथेटिक पढ़ रहे हैं। पैरासिंपैथेटिक में मैम डिक्रीज होता है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है हमारा। आइस के ऊपर क्या है, कंस्ट्रिक्शन हो जाती है आइस पीपल की। ठीक हो गया, एक दफा ना इसके इफेक्ट में आपको रिपीट करवाती हूँ, ठीक है। देखो आइस जो होती है उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, मियोसिस हो जाती है, हार्ट रेट डिक्रीज करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज करता है, स्लो कंडक्शन करता है, वेसल्स जो होती है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, स्टमिक में जो मोटिलिटी इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा करवाता है, यूरिन जो होता है ब्लैडर को ये रिलैक्स करता है और ब्लैडर वॉल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, यूरिन जो होता है उसको पास आउट करने में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन में क्या करता है ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स की सेक्रीशन इंक्रीज करता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में ये जो सेलिवेशन, स्वेटिंग, लैक्रिमेशन ये सबको स्टिमुलेट करता है। लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक्स ड्रग्स। देयर अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन वहां पे दो होती हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है। इनमें आपको दो दो तीन तीन के जो है ना नेम आने चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट में आपके पास कौन सी होती है, आपके पास होती है एसिटाइल कोलीन, मिथाइल कोलीन, कार्बाकोल, बेथेनिकोल और पाइलोकार्पिन, ठीक है। इसमें से जो पाइलोकार्पिन है ये और कार्बाकोल बेथेनिकोल ये तीन ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह इनडायरेक्ट एक्टिंग में रिवर्सिबल होती है और इरिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल में आपके पास आ जाती है फाइजोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, एंड्रोफोनियम और इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट हम ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये आगे एक टेबल में आपको दिखाऊंगी, आपको वहां से ना चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। ये वही है, इसको छोड़ो, ठीक है। निकोटिनिक एक्शन जो होते हैं ना वो CNS के ऊपर डिपेंड करते हैं, CNS के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होते हैं। मस्कुलिनिक जो होते हैं वो पोस्ट गैंग्लिया को जो होते हैं ना वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो फार्माकोकाइनेटिक्स। जी बेटा मैम थोड़ा स्पीड स्लो करें, ठीक है, थोड़ी स्पीड स्लो कर देते हैं। अच्छा बेटा अब हम लोगों ने पढ़ना फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माको एक्शन क्या क्या होते हैं। आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। अच्छा बेटा इसके एक्शन अब आपने पढ़ने, क्या क्या करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। आपको पता है CVS के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कैसे एक्ट करता है, या आपकी जो वास्कुलर सिस्टम की कंडक्टिविटी है उसको लो कर देता है, ठीक है। वेसल्स को डायलेट कर देता है, कॉन्ट्रेक्शन को जो है ना वो कम कर देता है, जबकि GIT ट्रैक के ऊपर क्या करता है, GIT ट्रैक के ऊपर ये करता है कि आपके जो है ना उसकी सेक्रीशंस को इंक्रीज कर देता है,
आपकी जो आपके बाद आपकी जो सिक्रीशन इंक्रीज होती है, आपकी मोटिलिटी जो होती है वो इंक्रीज कर देती है, इस वजह से आपकी फूड डाइजेशन जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। यूरिन को क्या करता है, इनके जो मसल्स जो होते हैं ब्लैडर के मसल्स को स्क्वीज करता है, जबकि जो आपके एक्स्ट्रा मसल्स जो होते हैं जो आपके ब्लैडर से बाहर यूट्रस के होते हैं उसको ये रिलैक्स कर देता है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में क्या करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाने से क्या हो जाता है कि आपको सांस में डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है कि आपके ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, सेक्रीशंस जो होती हैं उसको ज्यादा कर देता है, आई के ऊपर कंस्ट्रिक्शन करवाता है जिसकी वजह से मायोसिस हो जाता है। ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड की स्टिमुलेशन करवाता है, सेलिवेशन करवाता है, लैक्रिमेशन करवाता है, ये सारी। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी टेबल में बताई हैं। ठीक है, वही चीजें जो है ना वो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब जस्ट अ मिनट वेट। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम टेबल पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम कोई और चीज जो है वो पढ़ेंगे। गाइस, अभी तक समझ आया सारा? यस मैम। तक सिर्फ हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, और प्रीवियस जो उसके एक्शन थे ना जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के थे वो हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड्स द टेबल, दिस इज योर टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही तुम लोगों का सारा सरमाया है जिसे कह लो। अच्छा, टेबलर फॉर्म में बेटा आप लोगों के ड्रग्स के नेम है साइडों पे लिखे हुए। ठीक है, इसके एक्शन लिखे हुए हैं, इसके क्लिनिकल यूजेस लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करना है। ठीक है, इसके बाद आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स लिखी हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स वो मेंशन हुई हुई है। ठीक है, नंबर वन वी आर गोइंग फॉर बथेनिक, आमना फ्रूट का यार एक उस पार्सल हो गई हो तो हाथ रखो, मैंने मारी है। हाँ नीच मार रही है तो हाथ रखिए आप जब अपने आगे। Kindly guys, जिसका माइक अनम्यूट म्यूट है ना उसको म्यूट पे कर दो, अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं सुना, बाकी लोगों का तो बेड़ा गरक ना करो ना। आमना फरूक अपना माइक म्यूट कर लें। जस्ट अ मिनट गाइस, वेट। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बिथेनिकोल। बिथेनिकोल क्या है, ये डायरेक्ट एक्टिंग है। डायरेक्ट एक्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मस्कोरेनिक रिसेप्टर के ऊपर डायरेक्ट एक्टिंग एक्ट करते हैं। मस्कोरेनिक रिसेप्टर पे कैसे करेंगे, ये क्या करेंगे, आपकी जो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने पढ़ा है, एसिटाइल को लीन को कंबाइन करेंगे, उसको ये एक वेसिकल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये रिलीज करवा देंगे। डेट ऑल इज योर डायरेक्ट एक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ, ये क्या करेंगे, ये एक्टिवेशन कैसे करेंगे, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड हो जाती हैं, वहां पे जाके IP3 और DAG प्रोटीन दो होती हैं उनको ये एक्टिवेट कर देती हैं, और इनके जो जो आपका पैरासिम्पथेटिक एक्शन है ना वो बॉडी के अंदर परफॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, एनाटोमिकल बेटा ये क्लिनिकल सिनेरियो है, ये पूछा जाता है ये क्यों यूज किया जाता है। ठीक है,
आपकी यानी कि ये ब्लैडर और आपके जो बथेनिकोल है, ये ब्लैडर और बाउल अटोनी यानी कि आपकी ऐसी सर्जरी हुई हो जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई हो, जिसकी वजह से आपकी मोटिलिटी जो होती है वो इंटेस्टाइन की लो हो गई हो, या कोई ऐसा डिफेक्ट हो जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कोई ऐसी डिजीज हो जिसमें बाउल एटोन हो जाए, ठीक है, उसमें हम उसको ठीक करने के लिए ये देते हैं। क्यों ठीक करने के लिए देते हैं? क्योंकि ये जो है ना गैस्ट्रिक एसिड है उसकी सेक्रीशन को इन्हांस करती है, उसकी सेक्रीशन को इन्हांस करने के बाद आपकी जो मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन ट्रैक है उसको इंक्रीज करती है, ठीक है। और उसके बाद ये सिनेरियो बनता है इसी तरह की स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी हुई हुई है या फिर कोई ऐसी सर्जरी हुई है जिसके बाद जो है ना वो ब्लैडर और आपकी जो फीसिस पास है ना वो नहीं हो रही, तो आप कौन सी ड्रग दोगे? तो आपने क्लिक करना है बेथेनिकोल, ठीक है। उसके बाद इसके जो है ना साइड इफेक्ट पे आ जाओ। साइड इफेक्ट में सबके बेटा साइड इफेक्ट जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। सेम में क्या क्या आ जाते हैं? डायरिया आ जाता है, साइक्लोस्पाज्म आ जाता है, यूरिन अर्जेंसी आ जाती है, बहुत ज्यादा यूरिन हर टाइम आता रहता है, डायरिया हो जाता है बंदे को, बंदे की जो होती है वेजो डायलेशन की वजह से हाइपोटेंशन में मूव कर जाता है। फिर क्या होता है? रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, ठीक है। इसी तरह बेटा पाइलोकार्पिन है, पाइलोकार्पिन जो है उसका भी वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो बेथेनिकोल का है, लेकिन ये हम सोरगेन सिंड्रोम में देते हैं। सोरगेन सिंड्रोम ऐसा होता है कि जिसमें मुंह के अंदर सलाइवा प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है, या ऐसी कोई डिजीज हो जाती है जिसमें आपका पैरोटिड ग्लैंड डैमेज हो जाता है, तो उसमें हम लोग आपके मुंह के अंदर सलाइवा नहीं बन रहा होता, ठीक है, उसमें हम लोग पाइलोकार्पिन दे देते हैं। पाइलोकार्पिन का ये स्नैरियो जो है ना ये बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, और हम ये जो है ना ये ग्लूकोमा में भी दे देते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी दे देते हैं, ठीक है। इसके भी वही इफेक्ट हैं जो आपके बेथेनिकोल के इफेक्ट हैं, लेकिन इसके जो है ना अदर में ये आ जाता है कि इसके जो है ना कम होते हैं एज कम्पेयर टू योर बेथेनिकोल इफेक्ट, क्योंकि ये जो है ना ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो कॉज करती है, ठीक है। मस्कुरेनिक में आ जाता है, मस्कुरेनिक हैव सेम एक्शन लाइक योर बेथेनिकोल बट इम्पोर्टेंट इट इज यूज्ड इन फाउंड इन अल्कलॉइड फाउंड इन मशरूम, ठीक है। ये हम लोग जो है ना इस आपकी जो मस्कुरेन है ड्रग, ये ज्यादातर बेटा जो आपकी आप पढ़ोगे कभी हिस्ट्री में पढ़ोगे, जो आपकी मशरूम होती है उसके अंदर से एक खास किस्म का जो मादा निकलता है डेट इज बेसिकली वहां से ये ड्रग्स जो है ना ड्राइव हुई है, ठीक है। अब ये क्या करती है, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि कुछ मशरूम जो होती है वो पॉइजन होती है, ठीक है। एक्चुअली इनका कोई क्लिनिकल यूज नहीं है, लेकिन अदर देन क्लिनिकल यूज, अदर देन थेरेप्यूटिक यूज, इनके और बहुत से यूज हैं, ठीक है। इसकी ये वही है साइड इफेक्ट में वही आ जाती है, इंसान को मशरूम पॉइजनिंग हो जाती है। फिर आपके पास आ जाते हैं डायरेक्ट एक्टिंग जिसमें निकोटिनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरिसेलिन और सक्सिनाइलकोलीन, ठीक है। निकोटिनिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकोटिनिक में बेटा क्या होता है, निकोटिनिक जो होते हैं उसके भी वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, पैरासिंपथेटिक सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करती है, ये जाके निकोटीन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर देती है। निकोटीन रिसेप्टर पे जब एक्ट करती है वहां पे सोडियम और पोटाशियम के जो गेट होते हैं ना उनको ओपन कर देती है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये जो है ना निकोटीन जो होती है ये हम लोग यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स के लिए बहुत ज्यादा, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जैसे कि आपको जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं और इंसेक्ट्स को मारने के लिए आगे जो होते हैं ना वो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल यूज तो नहीं है इसका, लेकिन इसका फार्माकोलॉजिकल यूज जो है ना वो आगे होता है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद क्या आ जाता है निकोटीन में, निकोटीनिक के इसके साइड इफेक्ट में यही आ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन क्यों होता है? क्योंकि जो पैरासिंपथेटिक सिस्टम है, ऑल्दो इट्स अ पैरासिंपथेटिक सिस्टम, पैरासिंपथेटिक सिस्टम में क्या होता है कि आपकी जो वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये वेसल्स की कॉन्ट्रेक्शन कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन करेगा। हाइपरटेंशन हो जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा, नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी। बेटा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, आप लोगों ने कभी स्मोकिंग को सीज करने के लिए सुना है कि नशावर चीजों से जान कैसे छुड़ाते हैं या क्या करते हैं वो लोग? ये रिहैब सेंटर में मतलब होते हैं ये ऐसी चीजें। हाँ,
मैम कोई चीज दे देते हैं खाने के लिए, मतलब च्युइंगम या कोई चीज अल्टरनेट उसका देते हैं शायद। देखो हमेशा जो मैम मीट का सुना था, मीट वगैरह देते हैं। वो तो देते हैं बेटा, एक तो डोजेज को लोग कर देते हैं, और एक ठीक जैसे है ड्रग्स होती हैं उनकी काउंटर ड्रग्स को दे देते हैं, ठीक है। काउंटर ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जैसे जो बंदा बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता होगा, आप उसको निकोटीन या वेरिसलीन ड्रग्स जो है ना वो दो दे दो, ठीक है। ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, खुद ही नहीं प्रिस्क्राइब करना, ठीक है। ये पूरा रिहैबिलिटेट वाले ये करते हैं कि वो उसको ये दे देते हैं, ठीक है। अब जब बंदा जैसे ही स्मोकिंग का कष्ट लेता है ना, उसको वोमिटिंग आना शुरू हो जाती है। दे डोंट फील द टेस्ट ऑफ निकोटीन जैसा कि उसको पहले फील होता था, ठीक है। तो हम लोग जो रिहैबिलिटेट सेंटर होते हैं उनमें ये दो ड्रग्स निकोटीन के नेम से और वेडिसलीन के नेम से आती हैं। ये दोनों ड्रग्स बहुत यूज होती हैं फॉर सीजिंग ऑफ योर स्मोकिंग और इस तरह की चीजें करने के लिए। समझ आ गई बेटा? ये एमसीक्यू याद रहेगा आप लोगों को, मैम, ड्रग दोबारा रिपीट कर देंगे। ठीक वेरिसेलिन और निकोटीन। ओके ठीक है, ये दो ड्रग्स हैं, ठीक है। मैम, साइड इफेक्ट वही है, हाइपरटेंशन है, स्वेटिंग है, सेंसरी डिस्टरबेंस आ जाती है, डायरिया आ जाता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस आ जाती है, पोलीयूरिया, बहुत ज्यादा यूरिन की अर्जेंस हो जाती है, ठीक है। ओके मैम, आ जाती है सक्सिनाइल कोलीन। बेटा बेसिकली जो है ना वो मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। ये जो आपके मसल रिलैक्सेंट जो होते हैं ना उनके लिए जो होती है वो यूज होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मसल रिलैक्सेंट में इनिशियली जो आपके मसल स्पैज़म किए होते हैं उनको, यानी कि डील करने के लिए सक्सिनाइलकोलीन जो होती है वो यूज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है ड्रग डेट इज द एंडोफोनियम। एंडोफोनियम में ये आता है कि आपकी जो एंडोफोनियम ड्रग होती है उसमें ये आता है कि एंडोफोनियम में ये क्या करती है कि दिस इज आल्सो द लाइक योर, इसका मैकेनिज्म वही है जो आपका जो है उसका है आपके पैरासिम्पथेटिक मैकेनिज्म है। ये क्या करती है कि एंडोफोनियम ड्रग्स जो होती है ना, ये आपके जो एंजाइम होते हैं साइनेप्सिस में जो एंजाइम होते हैं जो एसिटाइलकोलीन की डिग्रेडेशन करवाते हैं, ठीक है, उन एंजाइम्स को जो होती है ना ये क्या कर देती है, ये उन एंजाइम्स को ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। उन एंजाइम की रिलीज को ये ब्रेक करके उसको जो है ना एंडोफोनियम को क्या करती है कि ये एंडोफोनियम को कर देती है कि आपके एसिटाइल कोलीन ब्रेक नहीं होते, एसिटाइल कोलीन का लेवल कम नहीं जाता। एसिटाइल कोलीन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, रिसेप्टर्स के ऊपर ज्यादा अवेलेबल होते हैं, इसलिए पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम का साइकिल जो है ना वो रनिंग रहता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होता है, एक होती है डिजीज मायस्थेनिया ग्रेविस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि मायस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए ना हम एंडोफोनियम देते हैं, ठीक है। एंडोफोनियम क्या करती है कि उसको थोड़ा सा ट्रीट करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब इसकी क्या करते हैं कि ये सिंपथेटिक इफेक्ट को इंक्रीज कर देती है, वही आपके नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, यूरिन अर्जेंसी, मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस, रिफ्लेक्स, टैकीकार्डिया, ये सारे साइड इफेक्ट इससे आ जाते हैं। इसी तरह और ड्रग्स होती हैं नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन, प्राइडोस्टिग्मिन, ठीक है। इनके भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं, एंडोफोनियम की तरह होते हैं। ये जो एंजाइम्स जो होता है जो एसिटाइल कोलीन को आपस में ब्रेक डाउन करवा देते हैं, उसकी डिग्रेडेशन को स्टॉप करवाते हैं, ठीक है। ये किसके लिए, मस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज होती है। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल, इसके ऊपर क्लिनिकल बन जाता है, मस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है, ठीक है। अब आप पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे एट्रोपिन ड्रग। एट्रोपिन ड्रग जो होती है ना वो बेसिकली होती है, वो होती है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। अभी आप कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़े होगे ना, जब एंटी एंटागोनिस्ट पढ़ोगे ना उसमें आएगी। अब वो क्या करती है कि वो उस पॉइजनिंग को ट्रीट करने, जो एट्रोपिन पॉइजनिंग होती है उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो जाता है कि वो जो होते हैं ना इसके भी साइड इफेक्ट बिल्कुल वही होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, लैक्रिमेशन, आपके यूरिन अर्जेंसी, आपकी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, सीयर्स, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट होते हैं। आपने बेटा क्लिनिकल में याद करना है, यहाँ से याद करना है, ये सारे ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारे आपके क्लिनिकल बने हुए हैं, ठीक है बेटा। समझ आ गई है? यस मैम जी मैम।
ये टेबल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. दिस इज यू कैन से एंड ऑफ योर कोलिनर्जिक ड्रग्स. एक मिनट ठहरिएगा. नाउ आई हैव टू जस्ट अ मिनट वेट. अब हम लेक्चर की तरफ ना दोबारा मूव करते हैं. थोड़ा बहुत आइडिया हो गया आपको. अब हम लोग लेक्चर की तरफ दोबारा मूव करते हैं कि आपके पास कौन कौन से हैं. बेटा ये देखो, ये अब अलग अलग डिस्कस हुई हुई है. बेथेनिकोल ड्रग्स, कार्बाकोल, ठीक है. जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना वो उसमें ही थी. बेथेनिकोल के बारे में वही चीज़ें अब हम लोग बस जल्दी में स्पीड में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग टेबल जो है वो पढ़ चुके हैं. ठीक है, पढ़ लेंगे फिर. क्या बेटा? ये जो पढ़ लेंगे, अगर टेबल में पढ़ा दे तो बस स्लाइड में तो पढ़ लेंगे फिर सारा. बेटा वो फिर भी एक बार आपको ना रिपीट हो जाए. ठीक है, कार्बाकोल जो है, कार्बाकोल उसके आपने क्या करने हैं. फार्माकोकाइनेटिक्स में यही है, जीआईटी ट्रैक्ट में अब्सॉर्प्शन करवाती है. ठीक है, ये क्या करवाती है, ये आपके जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल कोलीन एस्टरेज एंजाइम है उसको करवा देती है. ठीक है, ये ट्रीटमेंट है. ये किसके लिए हम देते हैं? ग्लूकोमा के लिए, यूरिन रिटेंशन के लिए हम लोग देते हैं. बेथेनिकोल ड्रग जो है, बेथेनिकोल ड्रग जो होते हैं वो हम लोग किसमें देते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं एस्थमा में. ये कुछ एमसीक्यू हैं. क्यों बेटा एस्थमा में हम बेथेनिकोल को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं? बिकॉज एस्थमा में पहले ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही होती है, बेथेनिकोल जाके और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देती है. ठीक है, और सक्रीशन को इंक्रीज कर देती है. हाइपरथायराइडिज्म में दे देते हैं. हाइपरथायराइडिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके जो आपका जो थायराइड लेवल होता है, ठीक है, उसकी कंडक्शन के लिए हम लोग, यानी कि उसमें क्या करता है कि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी जो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड के रिलीज हो रहे होते हैं. तो बेथेनिकोल ड्रग के बारे में आपने पढ़ा था कि ये CNS के ऊपर मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पैक करती है. ये वहाँ पर जाके क्या करती है, ये आपके जो आपके ग्लैंडुलर सेक्रीशंस है ना उनको इंक्रीज करती है. हाइपरथायराइडिज्म में पहले ही बेटा बहुत ज़्यादा थायराइड लेवल इंक्रीज हुआ, ऊपर से आप और इंक्रीज कर दोगे तो ये लीथल हो जाएगी. पेप्टिक अल्सर में हम नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि ये जो है आपके जीआईटी ट्रैक से पहले ही सेक्रीशंस जो होती है ना वो कॉज करवा रही होती है. ठीक है, आप उसके बाद कॉरनरी इनसफिशिएंसी में नहीं दे सकते, बिकॉज इट्स कॉज द लो ऑफ हाइपरटेंशन, बिकॉज इट्स प्रोड्यूस हाइपरटेंशन. वो इस कॉरनरी एफिशिएंसी में ये मजीद हाइपरटेंशन कॉज करवाएंगी. ठीक है, आप इसको जो है ना यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं दे सकते. आप इसको मैकेनिकली नहीं दे सकते, बिकॉज ये जो है ना यूरिन को ऑलरेडी रिटेन करवाती हैं. ठीक है, आप इसको डायरिया में दे सकते हो, कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हो, क्योंकि ये जो है ना कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट जो है वो काम करती हैं. अच्छा, इसी तरह बेटा पाइलोकार्पिन के बारे में मैंने आपको बताया था. पाइलोकार्पिन इज अ फेवरेट ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर ड्राई माउथ सोरगन सिंड्रोम. ठीक है, इसके क्लिनिकल में यही इंडिकेशन में आप ग्लूकोमा में दे सकते हो. ग्लूकोमा में इसलिए दे सकते हो क्योंकि ये वहां पे जो है ना मियोसिस कॉज करवाती है. ठीक है, उसके बाद एंड्रोफोनियम आ जाती है. एंड्रोफोनियम इज अ ड्रग दैट इज यूज फॉर मिस्थेनिया ग्रेविस ट्रीटमेंट. ठीक है, नियोसिस्टिग्मिन फाइजोस्टिग्मिन एंड्रोफोनियम के लिए यूज होती है. ओके, इसके बाद आ जाता है फाइजोस्टिग्मिन. फाइजोस्टिग्मिन वही है कि ये जो है ना फाइजोस्टिग्मिन जो है हम जीआईटी ट्रैक में दे देते हैं. ये अब्सॉर्ब होती है, इसका रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है. ये बेटा इतनी कुछ बातें याद करने वाली नहीं है, जस्ट मूव टूवर्ड्स योर क्लिनिकल यूजेस. ठीक है, फाइजोस्टिग्मिन मैंने आपको बताया था एट्रोपिन की जहाँ पे ओवरडोज हो जाएगी ना उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए हम फाइजोस्टिग्मिन देंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और क्लिनिकल भी है. ठीक है, दोबारा देख लेती हूँ. अब बेटा हो रही है? नो मैम, लोडिंग हो रही है. लोडिंग है मैम, हो रही है. ओके, अच्छा बेटा नहीं नहीं हो रही मैम, नहीं हो रही, नहीं हो रही, लोडिंग नहीं हो रही, लोडिंग हो रही है बस मैम, बस लोडिंग हो रही है. जस्ट अ मिनट, वेट, आई विल बी अगेन शेयर.
अब होना शुरू हुई है जी मैम। चलो ठीक हो गया मैम, ये नेक्स्ट लेक्चर है। एक मिनट है जी बेटा, ये नेक्स्ट लेक्चर है। ये थोड़ा सा बस वही है, चीजें पढ़ने वाली हैं जिसमें मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि क्या क्या है। ठीक है चलो बेटा, नियोस्टिग्मीन के क्लिनिकल यूजेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्थेनिया ग्रेविस में देते हैं, ठीक है, पायरेलिटिक अलाइटस में देते हैं। उसके बाद हम लोग ये जो आपके जो ट्यूबरक्यूलरिन एक ड्रग होती है जो मसल रिलैक्सेंट होती है, ठीक है, उसके अफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम लोग ये देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिकली यूरिनरी रिटेंशन में हम लोग जो है ना नियोस्टिग्मीन देते हैं। और गैनोफॉस्फेट बेटा, ये सारे के सारे आपने क्या करने हैं, सारे के सारे आपने टेबल बना के टेबल में ये ऐड कर लो चीजें। कुछ स्लाइड में ऐड है, कुछ टेबल में ऐड है, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट बेटा, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट वॉर गैस होती है, आंसू गैस जिसको बोलते हैं, ये वो होती है। कभी आप लोगों ने बेटा देखा है कि पुलिस अक्सर एक आंसू गैस यूज करती है, अब उसका मैकेनिज्म आपको समझ आ गया कि वो क्यों आंसू निकलते हैं? गैस समझ आया या नहीं आया? मैकेनिज्म क्या है उसका? देखो बेटा, आंखों में जलन होती है इसलिए आंसू निकलते हैं। वो क्या है, वो है आपकी पैरासिम्पैथेटोमोमेटिक्स ड्रग्स। पैरासिम्पैथेटोमोमेटिक्स के बारे में आपने पढ़ा था, वो सिक्रीशन को एक्टिवेट कर देती हैं, ठीक है जी मैम। आपकी सिक्रीशंस को क्या क्या, आपकी आपकी यूरिनेशन को करवा देती हैं, आपकी डेफिकेशन को करवाती हैं, आपकी लैक्रिमेशन को करवाती हैं, आपकी सलाइवा प्रोडक्शन करवाती हैं। चार सिक्रीशन बॉडी में होती हैं, चारों को वो एक्टिव कर देती हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है ना पैरासिम्पैथेटिक ड्रग है, ये जब फेंकी जाती है ये आंखों में जाके आंसू पैदा करती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से इसको आंसू गैस या फिर वॉर गैस कहते हैं। समझ आ गई बेटा इन चीजों की? जी मैम आ गई। ठीक है अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट देयर इज अ क्लिनिकल साइड इफेक्ट जो आपसे मैं डंबल के नेम से आते हैं। जब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट बता दो, आपने डंबल से याद रखने हैं। डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन या ब्रोंकोरिया, ब्रोंकोरिया होता है सेक्रीशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रेडिकार्डिया, इमेसिस, लैक्रिमेशन, सेलिवेशन, ठीक है, ये याद रहेंगे बेटा। और ना कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है, कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है। इमेसिस क्या होता है? इमेसिस याद बेटा, इमेसिस का मतलब होता है वोमिट होना, ठीक है बेटा। टुवर्ड्स द कोलिनर्जिक क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस चंदा ये होता है कि आपने ड्रग्स खाई है, कोलिनर्जिक ड्रग्स, उसने कोलिनर्जिक सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने की वजह से क्या हो गया, आपकी सिक्रीशंस जो है वो इंक्रीज हो जाती। चार सिक्रीशंस मैंने बताया था इंक्रीज होती है, सलाइवा प्रोडक्शन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। बेटा इनके पीछे लॉजिक सबको पता है ना? यस मैम जी मैम। अच्छा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्थेनिया ग्रेविस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में डिफरेंस बताना है, ठीक है। मस्थेनिया क्राइसिस ये होता है कि बॉडी के अंदर डिजीज होती है। मस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि आपकी रेस्पिरेशन कम हो जाती है, पल्स कम आती है, कफ आपको बहुत ज्यादा आता है, सांस आपका उखड़ने लगता है। इट्स अ टाइप ऑफ अ मस्कुलर डिजीज, ठीक है, जिसमें आपके मसल्स जो होते हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना मस्थेनिया क्राइसिस, जब हम ड्रग देंगे एड्रोफोनियम, एड्रोफोनियम ड्रग जो होगी ना वो इस डिजीज को ठीक करेगी, आपके मसल्स को ठीक कर देगी, मस्कुलर स्पैज्म को ठीक कर देगी। जबकि कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है, कोलिनर्जिक क्राइसिस में नोजिया, वोमिटिंग, सेक्रीशंस, लैक्रिमेशन बहुत ज्यादा होती है। जब आप एंड्रोफोनियम दोगे ना ड्रग, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो क्राइसिस जो ये रेट है ना सेक्रीशन का ये बढ़ जाएगा। इसलिए जो होती है ना मस्थेनिया क्रेविस इज मच मोर सिमिलर टू द कोलिनर्जिक क्राइसिस, लेकिन जो ड्रग होती है एंड्रोफोनियम वो ट्रीट करती है मस्थेनिया क्राइसिस को, जबकि अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा तो वहां पे साइड इफेक्ट वर्स्ट प्रोड्यूस कर देगी। बेटा इस बात की समझ आई है या नहीं आई, मुझसे दोबारा पूछ लो। यस मैम, यानी मैम ये जो क्राइसिस है इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा सेक्रीशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी।
हाँ देखो बेटा, मायस्थेनिया क्राइसिस के जो क्लिनिकल सिम्टम्स है ना वो सेम होते हैं आपके कोलिनर्जी क्राइसिस की वजह की तरह, लेकिन मायस्थेनिया क्राइसिस में क्या होता है कि आपके मसल्स की मूवमेंट पुअर हो जाती है, आपके स्मूथ मसल्स काम नहीं करते, जिसकी वजह से आपको सांस नहीं आता, आपकी पल्स नीचे जाना शुरू हो जाती है, आप में वीकनेस होना शुरू हो जाती है। जबकि जो कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है ना, इसमें ये होता है आपकी सिक्रीशन तेज हुई होती है ड्यू टू पैरासिम्पथेटिक हाइपर एक्टिविटीज, उसकी वजह से। जब हम ड्रग देंगे ना एंडोफोनियम, वो जाके आपके स्मूथ मसल, आपने पढ़ा था ना मस्कुलर स्पैजम को ट्रीट करती है, मायस्थेनिया क्राइसिस में तो वो आपको बेनिफिशियल इफेक्ट देगी, जबकि कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या करेगी, वो आपको वर्स्ट कर देगी। ठीक है, मजीद कर देगी ना। हाँ जी बेटा जी, ये बात समझ आई है सबको? यस मैम, आ गई। आज का लेक्चर इतना था, समझ आया आप लोगों को? यस मैम। जी मैम। बेटा मैं आज के लेक्चर की वीडियो भी सेंड कर दूंगी, आपके लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर दूंगी, और दूसरी चीज़ ये कि टेबल जो है मैंने नहीं सेंड किए हुए, टेबल मैं उसकी क्वालिटी बेहतर करके ना आपको सेंड करती हूँ। मैम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पार्ट वन भी सेंड कर दीजिए। वो भी मैं सेंड कर देती हूँ, मेरे ऊपर पता नहीं कितने कितने आपकी यूनिवर्सिटी ने एस सी पी वाइवा के बोझ डाले हुए हैं, उसकी वजह से लेक्चर खत्म हो गया। हाँ बेटा लेक्चर खत्म है, यही हाल है। क्या बेटा आपने तो कहा था आपने वाइवा नहीं लेना? बेटा मैंने वाइवा नहीं लेना, मैंने अभी भी वाइवा नहीं लेना, लेना उसकी ग्रेडिंग और वाइवा की जो बाकी है ना वो डॉक्टर मरियम कर रही है, बस बच्चों को लिस्ट में एंटर करना, उनको डिवाइड करना और उनको यानी कि एज अ को एग्जामिनर डॉक्टर मरियम के साथ होना है, ग्रेड करना वाइवा लेना वो मेरा नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उन और वो 238 बच्चे, 238 बच्चे मुझे मेल कर रहे हैं, मैं मुझे सिलेबस बता दो, बच्चों मुझे पता ही नहीं सिलेबस का, मैं क्या बताऊं किसी को। मैम आप हमारा वाइवा लेंगी? बेटा मैं वाइवा नहीं लूंगी, मेरी तरफ से आपको सिर्फ मेल आएंगी, आई एम अ को एग्जामिनर, को एग्जामिनर का काम है आपको मेल करना, आपको टाइमिंग बताना, आपका इसमें नेम नहीं है तो आपको कंडक्ट करवाना, ग्रेडिंग करना आपके मैं नहीं करूंगी। ठीक है मैम, फार्मा की आप ही करें, मैं फार्मा ना करें आप। मैम मतलब कि हमारे वाइवा होने हैं? बेटा आपके वाइवा होने हैं। मैम मतलब कि हमारा वाइवा कोई और लेगा? बेटा मैं एस सी पी के वाइवा की बात कर रही हूँ, अभी बच्चे मेरे पास एस सी पी के वाइवा के। हाय ठीक है मैम, हाय अल्लाह मैम, हम इधर पढ़ने डरा हो गए थे। मैम आपने डरा दिया था कसम से, मैं तो मैम हम खुदकुशी करने लगे थे। फार्मा का भी टैग नहीं लगा था, मैं क्यों तुम लोगों का किसी और को दे के जाऊंगी फार्मा का। मैम मैम ये आपने ना इंट्रो टू फार्मा के पहले 5 लेक्चर पढ़ाए थे, लेकिन बाद में मेल में आपने 7 लेक्चर सेंड किए हुए, तो अभी बच्चे पूछ रहे हैं। 7 वही है, उनमें से शॉर्ट करके मैंने 5 की। पढ़ लो मैम, आप स्लाइड्स बहुत बड़ी बड़ी करती हैं। अच्छा आप छोटी स्लाइड आ जाएंगी, इंट्रोडक्शन की छोटी, बाकी जो सीवीएस वगैरह की वो भी छोटी है, बस आपकी इंट्रोडक्शन टू फार्मा थोड़ी लंबी स्लाइड्स थी। ठीक है मैम, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की भी स्लाइड्स भेज दीजिएगा। मैं एएनए की कंप्लीट फाइल आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, कब करेंगी मैम? मैं आज अगर मेरे पास टाइम मिलेगा, आज इंट्रोडक्शन टू एएनएस के अलावा जो 4 लेक्चर है ना वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, सैटरडे को क्विज है, वो आप लोगों ने देना है, वेनेसडे को 6 बजे आपकी रिवीजन क्लास होगी। मैम एक चीज कंफर्म करनी है आपसे, मैम वेनेसडे को आपने हमें रिवीजन करानी है, सैटरडे को हमारा क्विज है, और 15 को सिनेरियो बेस के सबमिट करवाने हैं ना? जी बेटा 15 को आपने सिनेरियो बेस। मैम वेनेसडे को मेरी क्लास होती है 6:15 पे। मैम इसके अलावा तो कुछ और नहीं है ना? नहीं बेटा अभी तक कुछ नहीं। मैम असाइनमेंट का क्या सीन है? असाइनमेंट बेटा आप लोगों ने दो दो सिनेरियो बनाओ, दो दो सिनेरियो आप लोगों ने 15 को सबमिट कराना। मैम वो हमें समझा दें कैसे करने हैं? वो मैं आपको जब आपकी रिवीजन क्लास होगी ना उस टाइम आपको समझा दूंगी। मैम सीवीएस और एएनएस दोनों की असाइनमेंट 15 को करवानी है? नहीं बेटा सिर्फ सीवीएस की करवानी है।
ठीक है बेटा, जो क्विज होगा ना इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, उसमें 10 to 20 आपके एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है? और मैम क्लास टाइम पे होगा बेटा? वो क्लास आपकी क्लास टाइमिंग में ही होगा। उसके मैम लेक्चर्स भी बता दें कितने होंगे। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी पूरा एक यूनिट है, 7 लेक्चर 5 लेक्चर 5 लेक्चर है, उनकी नंबरिंग बस गलत हुई है, ठीक है? वो पढ़ लेने आप लोगों ने और बस उसी में से क्विज बन रहा है। मैम आप मैक्सिमम कितना टाइम देंगी? मैम आपके क्वेश्चन जो होंगे वो सिनेरियो बेस्ड होंगे? नहीं बेटा, सिनेरियो लेदा से होंगे, सिनेरियो सिर्फ। ओके मैम, मैम क्विज में मींस कि हम क्विज की इसलिए मैं हम पूछ रहे हैं कि क्विज की फिर किस तरह से तैयारी करनी है, मींस कि वो सिनेरियो बेस्ड तो नहीं होंगे ना? मैंने करवानी तो है ना, बाकी आप लोगों ने पढ़ के आओगे तो आप लोगों को वेडनेसडे को। ओके मैम, ओके मैम। मैम क्विज अलग है और सिनेरियो बेस्ड अलग क्विज होगा। बेटा सिनेरियो बेस अलग से हैं, वो सीबीएस और एएनएस के होंगे और क्विज जो है वो आपका इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। ओके, लेकिन सीबीएस और एएनएस के कब होंगे सिनेरियो बेस्ड? बेटा वो उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे, पहले एक तो दो। मैम मैं जा सकता हूँ, मुझे इजाजत मिल सकती है इस वक्त? एक्चुअली कुछ काम है, मैंने खुद जाना है नमाज का टाइम। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बेटा, और कोई क्वेश्चन हुए ग्रुप में पोस्ट कर दिया करो, अमाद भेज देगा, ठीक है? मैं उसके मैम मैम बस ये बता दें कितना टाइम होगा क्विज के लिए। बेटा क्विज के लिए अगर 20 क्वेश्चन है ना तो 20 मिनट ही होंगे, 1 MCQ 1 मिनट ओनली, ठीक है? ओके मैम, ओके, अल्लाह हाफिज़।